मुंबई में बरसात ने एक बार फिर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बीती रात से ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही थी। कई जगहों पर जो है जल जमाव देखने को मिला। सड़कों पर लंबा जाम है, बस के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन भी पूरी तरह से ठप होते हुए एक बार फिर बरसात में नज़र आ रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के विक्रोली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। आप ये तस्वीर नज़ारा देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है। किस तरह से लोग जो हैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। शुक्रवार का दिन था, लोग काम धंधे पर निकल रहे थे और बारिश की वजह से लोग मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया। कुर्ला, सायन, विद्या विहार के रेलवे स्टेशन पर जो है घुटनों तक का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से रेल सेवा जो है काफ़ी हद तक प्रभावित होते हुए नज़र आई। मेरे ठीक पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन सेवा पूरी तरह से बंद है। वो ट्रेन काफ़ी समय से यहाँ पर खड़ी है और लोग जो हैं पटरियों पर से चलकर जो हैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। नज़ारा है, हर बार इसी तरह का बारिश में मुंबईकरों को इसी परेशानी से सामना जो है करना पड़ता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, इसी तरह से जो है परेशानी झेल रही है। तस्वीर आप जो देख रहे हैं विक्रोली रेलवे स्टेशन की है। जो मध्य रेलवे से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फ़िलहाल जो ट्रेन है मध्य रेल की बात करें तो 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है। सायन कुर्ला में पानी भरने की वजह से स्लो लाइन को जो है डाइवर्ट किया गया है फास्ट लाइन में। इसी तरह से हवाई यातायात को लेकर अभी फ़िलहाल कुछ खबर नहीं आई है। फ़िलहाल की अगर बात करें तो मुंबई में बरसात जो है काफ़ी हद तक रुकी हुई है, लेकिन जो रात भर से बारिश हुई है वो पानी जो है अभी जमा हुआ है। पानी ना निकल पाने की वजह से रेल सेवा हो, चाहे फिर आम लोग हो, चाहे सड़क पर हो, लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई से राहुल पांडे, DRB न्यूज़।